एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4 11 स्क्वायर 121 101 स्क्वायर 10201। इस पैटर्न को ध्यान से देखें, 101 में पहले 1 लिखा है, फिर 2, फिर 1 और बीच में एक एक जीरो। 1001 स्क्वायर में क्या किया है, 121 लिख के बीच में ये जो एक और एक के बीच में डबल जीरो है वो यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। सिमिलरली अब हमको लिखना है 101 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 2 1। ऊपर भी सब में यही था, 1 2 1 1 2 1 1 2 1। इसमें सिंगल जीरो थी तो हमने सिंगल जीरो 1 2 और 1 के बीच में लगा दी। इसमें डबल जीरो थी तो इसमें भी डबल जीरो लगा देंगे 1 2 और 1 के बीच में। और इसमें है 101 स्क्वायर, 1 और 1 के बीच में 4 जीरो है तो 1 2 1 लिख कर इनके बीच में हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी प्रकार से ये 1 crore 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले लिख लेंगे 1 2 और 1 और बीच में 2 2 4 and 6 जीरोज है तो हम यहाँ 6 जीरोज लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 और 1 के बीच में 6 6 जीरोज लगाएंगे। इधर 1 और 1 के बीच में 4 जीरोज है तो 1 2 1 के बीच में 4 4 जीरोज लगा दी। 1 और 1 के बीच में डबल जीरो है तो इधर 2 2 जीरोज लगाई। तो इस पैटर्न को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 11 स्क्वायर 121 स्क्वायर। तो ये जो 121 है वो यहाँ पर भी है, बीच में सिंगल जीरो है तो 1 और 2 के बीच में 0 और 1 और 2 के बीच में अगेन 0। उसके बाद है 10101 स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास 3 1 है तो इधर कैसे लिखा गया, 1 2 3 2 1 और बीच में सबके एक है 0। तो ये 10101 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 बढ़ गए हैं, 10 10 10 1 स्क्वायर, 1 2 3 4। इसमें 4 1 है, इसमें 3 1 थे तो क्या लिखा था, 1 2 3 2 1। इसमें 2 1 थे तो 1 2 1 लिखा था, इसमें 4 1 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। 4 1 है तो 4 तक काउंटिंग लिख के उसके बाद 3 2 1 लिखेंगे और बीच में सबके सिंगल जीरो है तो यहाँ भी सिंगल जीरो लगा देंगे। अब ये नंबर है, ये किसका स्क्वायर है वो हमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भरना है। यहाँ पर आप देखिए पैटर्न 1 2 3 4 5 उसके बाद 4 3 2 1 1 2 3 4 5 लगातार है, इसका मतलब 5 इसमें 1 होंगे, 1 1 1 1 5 1 लगाकर बीच में 0 लगा देंगे तो ये नंबर इसका स्क्वायर होगा। तो इस पैटर्न को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये 3 स्क्वायर के। तो ये 3 कैसे आया, 2 प्लस 2 4 4 में से 1 गया 3, 2 प्लस 2 4 4 माइनस 1 3। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये 7 कैसे आया, 6 एंड 3 9 9 माइनस 2 7। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये 13 कैसे आया, 12 प्लस 4 16 16 में से 3 गया 13। और एक दूसरा पैटर्न और पकड़िए, इसमें है 1 2 2, 1 की 2 से मल्टीप्लाई यहाँ आया 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 2 3 6,
थ्री की फोर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 12, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर फाइव जा यहाँ आएगा 20 स्क्वायर। इसी प्रकार से ये 30 कैसे आया होगा, जैसे 4 5 20, इसी प्रकार से यहाँ 5 6 30, तो यहाँ आएगा 6, तो 5 6 30, इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा 6 7 40। अब ये फिल इन द ब्लैंक रह गया, तो इधर का आपको मैंने बताया था 2 + 2 = 4, 4 - 1 = 3, 6 + 3 = 9, 9 - 2 = 7, 12 + 4 = 16, 16 - 3 = 13, 20 + 5 = 25 में से 4 गया 21, 30 + 6 = 36 में से 5 गया 31, सिमिलरली 42 and 7, 49 में से 6 गया, तो यहाँ जाएगा 43 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = क्या होगा, वी हैव टू टेल इट विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए हमको इनका सम फाइंड करना है। तो ये है ओड नंबर, है कंसेक्यूटिव ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं, तो इनका सम होगा 5 स्क्वायर यानी कि 25, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 का सम बिना ऐड किए बताना है। तो ये कितने ओड नंबर्स हैं इनको काउंट कर लेंगे, 3 and 3 = 6, 7 and 3 = 10 है, 10 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो इनका सम क्या होगा 10 स्क्वायर यानी कि 100। इसी प्रकार से ये कितने कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ये हैं 3 और 3 = 6, 7 और 2 = 9 और 2 = 11 और ये 1 = 12, तो ये 12 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो इनका सम होगा 12 स्क्वायर यानी कि 144।